ये हमारा काम समझिए 50-60 वर्षों से चल रहा है पुरखों से। पर्व जो है हिंदुओं का है और हम लोग ये बनाते हैं माल। माल सूरत से आता है और पटना से, दिल्ली से। आस्था के महापर्व छठ पर भागलपुर का एक मुस्लिम परिवार हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश कर रहा है। ये परिवार दशकों से पवित्रता के साथ छठ के लिए बद्दी माला बनाता है। ये बद्दी माला इतनी लोकप्रिय है कि भागलपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार समेत बिहार के कई जिलों में इसकी डिमांड है। बिहार, झारखंड समेत देश और विदेश में छठ पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व पर देश के किसी भी कोने में रह रहे बिहार के लोग गांव जरूर लौटते हैं। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। इस उत्सव की शुरुआत चतुर्थी से हो जाती है और फिर सप्तमी को सूर्य देव को जल अर्घ देकर व्रत का पारण समापन किया जाता है। ये भगवान सूर्य को समर्पित महापर्व है। महापर्व छठ को लेकर लोग अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं दुकानदार भी जोर शोर से इस पर्व की तैयारी करते हैं। इस पवित्रता के त्यौहार में भागलपुर का मुस्लिम परिवार अपना योगदान दे रहा है। ये परिवार बेहद पवित्रता के साथ बद्दी माला बनाता है। बता दें कि बद्दी माला रेशम के धागे से विशेष रूप से बनाई जाती है। इसे व्रती सूर्य को अर्घ देते समय पहनते हैं। भागलपुर के हुसैनाबाद निवासी मोहम्मद आफताब आलम का पूरा परिवार बद्दी माला बनाता है। इतना ही नहीं, हिंदुओं के त्यौहार रक्षाबंधन में राखी और अनंत चतुर्दशी अनंत डोरा भी बनाते हैं। बद्दी माला बनाने वाले आफताब ने इस बारे में भागलपुर से हमारे संवाददाता राजीव ठाकुर को विस्तार से जानकारी दी है। पर्व जो है हिंदुओं का है और हम लोग ये बनाते हैं माल। माल सूरत से आता है और पटना से, दिल्ली से, मतलब सिंगल माल आता है, किरची आता है, उन लोग को उसको हम लोग कटिंग करके खुदना कटवाते हैं। जितिया बनता है मेरे यहाँ, छठ का बद्दी बनता है, आनंद डोरा बनता है, भगवा का डोरा बनता है। माल हम लोग भागलपुर सप्लाई मार्केट में देते हैं, होलसेलिंग। नौगछिया से आता है, नारायणपुर से आता है, बांका से आता है, पैकार लोग ले जाता है माल। और अपना रिटेलर भी है, करते हैं लोहा पट्टी में, देवीलाल के यहाँ पर दुकान मेरा भी लगा हुआ है। उनके द्वारा बनाई गई बद्दी माला भागलपुर, बांका, पूर्णिया और कटिहार समेत आसपास के कई जिलों में भेजी जाती है। छठ पूजा में व्रती इसका उपयोग करते हैं। एक प्रश्न के जवाब में कारीगर यास्मीन ने बताया कि इस काम को करते समय उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि ये काम हम दूसरे किसी धर्म के लिए करते हैं। उन्हें इस कार्य को करने में बेहद खुशी मिलती है कि हमारे द्वारा बनाई गई माला लोग महापर्व पर पहनते हैं। हम लोग का तो सब रोजगार करते हैं, ये बद्दी तो सबसे ज्यादा अच्छा है पर्व का, छठ पूजा का। क्या सब बनाते हैं? राखी है, आनंद है, जितिया है, फगुआ का डोरा है, सब सारा चीज बनता है यहाँ। कब से बना रहे हैं? परदादा के टाइम से, बहुत से है, बहुत समय से बन रहा है यहाँ। कैसा लगता है हिंदू का धर्म? हम लोग का सारा बना रहे हैं। हाँ, सारा रोजगार तो हम ही लोगन बनता है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगता है कि जो ये पर्व है वो हिंदू का पर्व है, हम लोग बना रहे हैं, तो कभी ऐसा लगा है आप लोगों को? कभी नहीं। ये भाईचारा का भी संदेश है? कभी भाईचारा का हम लोग का संदेश नहीं है कि भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। हम लोग ये काम बरसों से करते आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।